भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग वाईफाई स्टडीज अ पार्ट ऑफ एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, और होप सो विजिबल टू एवरीवन, है ना? विजिबल हूं मैं सभी को। पहले एक बार कमेंट बॉक्स पे लिखो, फिर हम रैपिड फायर स्टार्ट करेंगे। और आपको कुछ और भी विजिबल होगा जो मेरे स्क्रीन पे लगा हुआ है ना, वो भी कुछ ऐसा है जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, दोबारा एक बार फिर से महामैराथन स्टार्ट करेंगे हम। ठीक है, अब किस चीज पे होगा बेटा, याद रखना, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराऊंगा, पूरा कंसेप्ट ए टू जेड। और कोई बोले कि सर कहां पे कवर होगा, कब कवर होगा, बेटा याद रखना वाईफाई स्टडी चैनल पर। ठीक है, इसी चैनल पर कितने बजे, दोपहर को 5 बजे स्टार्ट करेंगे और लगातार पढ़ेंगे। ठीक है, लगातार पढ़ेंगे 10 बजे तक। ठीक है, 3 आवर्स से भी ज्यादा पढ़ने वाले हैं, मतलब पूरा एक मैराथन रखेंगे, फुल फ्लेज मैराथन है आपके लिए। ठीक है, कब होगा याद रखिएगा, कल होगा। ठीक है, कल इस मैराथन को हमने करना है पूरा दोपहर को 5 बजे, मिस मत करना कोई भी बच्चा। ठीक है, कोई भी बच्चा मिस मत करना, कल दोपहर को 5 बजे मैराथन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मैराथन इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको डिटेल दे दी। बाकी सभी क्लासेस रेगुलर चलेंगी जो होती है। ठीक है, और अपना ये टाइमिंग स्ट्रेटजी की, अगर रात को 10 बजे का है बेटा, है ना, तो स्टैटिक जीके का फायदा उठाना भाई रात को 10 बजे, क्योंकि सीएचएसएल में पेपर में यही आया। ठीक है, चलिए, जो भी बच्चा देख रहा है अनअकैडमी कॉम्पैक्ट ज्वाइन कर लो। आप अनअकैडमी कॉम्पैक्ट में क्या कर सकते हो बेटा, आप सिंपल सा फंडा है, अनअकैडमी कॉम्पैक्ट में आपको टेस्ट देना है, टेस्ट देके स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी। आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कैसी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, और टेस्ट उससे पहले प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में हो जाएगी आपकी, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, फ्री टेस्ट सीरीज है सारे के सारे, है ना, टेस्ट पेपर से एक तरीके से। और बम्पर ऑफर आपके लिए चल ही रहा है, 2 साल पे 4 मंथ एक्स्ट्रा, 1 साल पे 2 मंथ एक्स्ट्रा, और पूरे कोर्सेज लेके आया। जब मैं कोर्सेज लेके आया हूँ उस पर ऑफर चल रहा है, और आपके कॉइन्स है, इस रेफर कोड पे डिस्काउंट है, तो कहने का मतलब गिव अवे कोर्सेज है इस समय 2 दिन तक अनअकैडमी पे मेरी तरफ से इस रेफर कोड पे। ठीक है, गिव अवे कोर्सेज है, बहुत जेनरली आपको क्रैश कोर्स आपको जो है इस गिव अवे कोर्सेज में कराना है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये रेफर कोड लाइव अमन है, जिससे आपको जुड़ना है, डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस होंगी। इसमें पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, रैपिड फायर का पहला क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सरनेम ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्वात रिवर, फेमस रिवर है स्वात रिवर, और इसमें से ऐसा कौन सा नाम है, ठीक है, कौन सा सरनेम है, ठीक है, जो कि स्वात नदी से बना है, जल्दी से बताइए। बड़ा प्यारा लवली क्वेश्चन, ठीक है, बहुत प्यारा लवली क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए डाल दी। बताइए कौन सा सरनेम जो है स्वात नदी के, ठीक है, सूत्र से बना है। आंसर क्या है बेटा, याद रखिएगा, शर्मा, जो आप कहते हैं ना शर्मा, ठीक है, जैसे आई मैं अपना सरनेम शर्मा रखता हूं, तो वो स्वात नदी जो है, ठीक है, इस नदी से ये सरनेम बना है शर्मा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे शर्मा कहते हैं अपने आपको, लेकिन उनको कारण नहीं पता है, कारण पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ, ठीक है बेटा, इसका किसी भी तरीके के रिलीजन, कास्ट, कुछ किसी से भी कुछ भी लेना देना नहीं है, जस्ट एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पे था। ठीक है, जस्ट एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। सोल्ट लेक स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो इसका दूसरा नाम क्या है, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, सोल्ट लेक स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो है अदर नेम क्या है, कमेंट करिए। आज मैं ऐसे क्वेश्चन ज्यादा लेके आऊं, अदर नेम क्या है, ठीक है, और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो ये सब चीजें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब क्वेश्चन भी आते हैं कि भाई सोल्ट लेक स्टेडियम का दूसरा नाम क्या है ना, तो ये सब चीजें पढ़ो। ठीक है, आंसर क्या है बेटा, युवा भारती स्टेडियम को कहते हैं सोल्ट लेक स्टेडियम। ठीक है, चलिए आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम और क्या कहते हैं। ठीक है, अब ये भी दोबारा वही क्वेश्चन हो गया कि भाई किसको हम और क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम और क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए और बताओ, शेयर करो बेटा सेशन को जल्दी से। ठीक है, और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम और क्या कहते हैं, है अच्छा कि नहीं क्वेश्चन, बड़ा अच्छा है यार, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्राइस थ्योरी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइस थ्योरी, मूल्य का जो सिद्धांत है वो, ठीक है, दिमाग को रखिए। ठीक है, मूल्य का सिद्धांत, देखो माइक्रो में क्या होता है, जैसे हमारे हमारे किसी भी मार्केट में किसी भी चीज का रेट बढ़ेगा, उसका ना बहुत ज्यादा इंपैक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं पड़ेगा, बड़े पैमाने पे नहीं पड़ेगा, छोटे पैमाने पे पड़ेगा, इसलिए वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसलिए प्राइस थ्योरी जो है इसी से संबंधित है। बताइए सर गॉटफ्रीड स्टोफ, देखो ये
इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी सीएचएसएल का कुछ पेपर आया था, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन यही था सर गालफिट सोबर ट्रॉफी जो है इस साल की किसे मिली, विराट कोहली को, ठीक। और अब यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि सर गालफिट सोबर ट्रॉफी जो है इसका दूसरा नाम क्या है, ठीक है। ये पूरे आईसीसी की सबसे बड़ी ट्रॉफी कही जाती है, ठीक है, अगर किसी प्लेयर को देनी है, क्योंकि ये खिलाड़ी जो होते हैं ना दुनिया में सबसे पहले छह छक्के मारने वाले खिलाड़ी थे सर गालफिट सोबर, ठीक है। अगर आपको ये ना पता हो तो दुनिया में सबसे पहले बार छह छक्के छह बॉल पे सर गालफिट सोबर ने मारे थे और लेटेस्ट में किरण पोलार्ड ने मारे, ठीक है, लेटेस्ट में किरण पोलार्ड ने मारे। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड है ये, ठीक है, सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक, सबसे बड़ा अवार्ड है, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि विराट कोहली को मिला, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर सुबह 11 बजे और इवन 9 बजे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरली वर्क ऑफ महात्मा गांधी जी, ठीक है, आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन में बेटा, याद रखिएगा आंसर है युगांतर, युगांतर इसका आंसर है, ठीक है। महात्मा गांधी जी के द्वारा युगांतर, देखो युगांतर क्या है, युगांतर का एक अलग ही फंड है, युगांतर जो है, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज के द्वारा था, युगांतर वाज फ्रॉम रेवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज के द्वारा था, ठीक है। अब क्रांतिकारियों के द्वारा जो चीज है वो महात्मा गांधी जो नहीं करेंगे, है ना, सिंपल सा फंड है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, विद विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट यान थोरपे से रिलेटेड, बताइए जो खिलाड़ी है ये किससे संबंधित है, किस स्पोर्ट से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए ना, किस स्पोर्ट से संबंधित इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, स्विमिंग से संबंधित है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, एक और क्वेश्चन, रेड बुक डाटा में क्या होता है, जल्दी से, रेड बुक डाटा में क्या होता है, रेड डाटा बुक सॉरी उसमें क्या होता है बताइए, सोल्व करो क्वेश्चन को, है ना, शेयर करो, बताओ सोल्व करो जल्दी से, क्वेश्चन क्या हो सकता है आंसर, ठीक, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, रेयर प्लेनेट एंड एनिमल अंडर, देखो जो प्लांट सॉरी जो है, ठीक है, जितने भी प्लांट जिनको किसी तरीके से ऐसा है कि वो खत्म होने वाले हैं दुनिया भर में से, या एनिमल जो कि थ्रेट में है, खत्म भी हो सकते हैं, उनको रेड डाटा बुक में डाला जाता है, ठीक है। और ये IUCN क्रिएट करता है, IUCN जो है ना, IUCN क्रिएट करता है इस बुक को, ठीक है, IUCN जो है इस बुक को क्रिएट करता है। और एक अच्छा क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ, ठीक है, बचपन बचाओ आंदोलन, सेव चाइल्ड मूवमेंट, ठीक है, ये किसके द्वारा, अब इसमें कैलाश सत्यार्थी ऑप्शन में दे रखा है, नोबेल प्राइज विनर फॉर चाइल्ड लिटरेचर, क्या ये आंसर हो सकता है, क्वेश्चन खेल यही खेलता है, ठीक है, बड़े बंदों का नाम लगा देते हैं क्वेश्चन में और वो बड़े बंदे जो है खेल खेल जाते हैं, बताइए आंसर क्या होगा, ठीक है। आपको क्या लगता है क्या आंसर होना चाहिए अब इसका, कि भाई ये आंसर हो सकता है, आंसर हो सकता है बेटा, दिमाग पर रखिएगा, इतने बड़े हस्ती हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं, ठीक है, चाइल्ड को लेके, पीस को लेके, तो भाई फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन, सेव चाइल्ड मूवमेंट, इतना फेमस क्वेश्चन जो है ना हमें पता होना चाहिए, ये नहीं पता तो बेटा हमें कुछ भी नहीं पता, नोबेल प्राइज विनर के द्वारा की गई चीज है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ग्रेफाइट जो न्यूक्लियर रिएक्टर में, वो किसके लिए यूज में आता है, बताइए क्या करने के लिए यूज में आता है, कमेंट करें बेटा। कल 5 बजे हिस्ट्री का मैराथन है, 4 से 5 घंटे, ठीक है, और मैं आपको अश्योरिटी देता हूं दुनिया जहान के क्वेश्चन जो हिस्ट्री के ना सारे करा दूं, दुनिया जहान के क्वेश्चन, इस चीज की मैं अश्योरिटी देता हूं, दुनिया जहान, ठीक है, भूलिएगा मत करना, शाम को 5 बजे कल वाईफाई स्टडी चैनल पर, मॉडरेटर इसका आंसर है, ठीक है, मॉडरेटर इसका आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। लार्जेस्ट, ठीक है, हर्बेरियम ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, ये अभी बता दो, हर्बेरियम क्या होता है, जहां पे हर्ब्स का म्यूजियम होता है ना, हर्ब्स जो होते हैं, जो जितनी भी हमारे देश में जड़ी बूटियां हैं उन सब का म्यूजियम, की कैसी कैसी जड़ी बूटियां देश में आई हमें पता है उनकी खोज की, ये हर्बेरियम उसे कहते हैं, ठीक। और भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम कहां पे, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, आंसर क्या है, कोलकाता इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग इज बीइंग एक्सपेंडेड एंड रीनेम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, देखो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग का नाम बदला है, उन्होंने बहुत सारी चीजों को घेरा है तो उसका नाम बदल दिया, और क्या रख दिया, जल्दी से बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन,
ठीक है। देखो शिपिंग में दो वर्ड जोड़े, कभी कभी सवाल ये भी आता है कि कौन से दो वर्ड ऐड किए हैं, पोर्ट, शिपिंग और वाटरवे, तीन वर्ड हो चुके हैं अभी इस मिनिस्ट्री में, है ना। तो इसका आंसर क्या है, ठीक है दिमाग को रखिएगा, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर ए। बेटा कल शाम को 5 बजे वाईफाई स्टडी पर हिस्ट्री की थ्योरी, क्वेश्चन, एमसीक्यू सब कुछ होगा, ठीक है कल शाम को 5 बजे, ठीक है याद रखिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन सेंट्रल ऑफिस इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, जल्दी चलते हैं, ठीक है ये सेंट्रल ऑफिस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का, ये कहां पे लोकेटेड, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी चलते हैं, सोल्व करना बेटा सारे के सारे, शेयर करना सेशन को, जल्दी चलते हैं, ठीक है महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है आंसर क्या है बेटा, याद रखना है ये क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हैदराबाद इसका आंसर है, ठीक है हैदराबाद इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन है, नेम ऑफ कॉमन करेंसी लॉन्च बाय मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन इंडिया, जल्दी से बताएंगे, ठीक है आंसर क्या है। देखो अब आप सभी जानते हैं इससे आसान क्वेश्चन ये आ सकता है कि भाई यूरोपियन यूनियन की कॉमन करेंसी क्या है, इससे आसान क्वेश्चन मुझे नहीं लगता आ सकता, इससे आसान क्वेश्चन कि आपसे यूरोपियन यूनियन की कॉमन करेंसी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है तो आप बता सकते हो, मेरे हिसाब से आसान क्वेश्चन है कि भाई यूरोपियन यूनियन की कॉमन करेंसी कौन सी है, यूरो है, ठीक है यूरो है। एक और क्वेश्चन देखिए, ठीक है फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया वाज, ठीक है अब ये आसान है, ठीक है मैंने आपको पहले भी, मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले एक शॉर्ट डाल के दिया, मैं शॉर्ट डालता हूं ना देख लिया करो, शॉर्ट की महत्वपूर्णता होती है, 1 मिनट में सारे फर्स्ट वाले बता दिए थे आपको घर, ठीक है उसमें ये भी बताया था, ठीक है एस एच एफ सी मनकेशा जो है फर्स्ट फील्ड मार्शल रहे, ठीक है फर्स्ट फील्ड मार्शल है। कोई कहेगा सर के एम करिप्पा है, बेटा के एम करिप्पा अलग हुए, ठीक है के एम करिप्पा जो है वो अलग है, ठीक है दिमाग पर रखिएगा, ही इज रिलेटेड टू आर्मी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, बताइए क्वेश्चन को समझो, आप गलत कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि बेटा आंसर गलत हो जाएगा, आपने गलत किया, ठीक है याद रखना आपने गलत किया है, करिप्पा अलग है, ठीक है कभी जाओ एसएसबी पता चलेगा, ठीक है करिप्पा कौन है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां पे बेटा, उदयपुर में। अब इसका उदयपुर में होने का कारण क्या है कि जो जिंक है ना ये राजस्थान में मिलता है, राजस्थान में जो बहुत बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं उसमें से जिंक निकलता है, ठीक है तो इसी कारण जिंक जो है उदयपुर में है, हेडक्वार्टर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, ठीक है क्योंकि जिंक उठा के और के दिल्ली तो लेके नहीं जाएंगे। नेशनल पुलिस अकेडमी कहां पे लोकेटेड, आसान क्वेश्चन, ठीक है कईयों का ड्रीम आईपीएस बनने वाला, ठीक है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, शेयर करो यार सेशन को, जल्दी से शेयर करना अपने क्लास को, जल्दी से शेयर करें और शर्माते हो शेयर करने में क्लास को ही अपनी, ठीक है। अब इसका आंसर क्या है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भाई नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में, ठीक है नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सपोजन इन इंडिया वॉज कंडक्टेड एट, ठीक है पहला न्यूक्लियर एक्सपोजन इंडिया में कब कंडक्ट किया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर पोखरान, ठीक है और ये पोखरान सभी जानते हैं बेटा, पोखरान के बारे में तो कोई बड़ी बात नहीं है, पोखरान के बारे में आप सभी जानते हैं, तो पोखरान का क्लियर कट फंडा आपको आता है, हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को सभी जानते हैं, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन देखिए, ये नहीं करना, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है, ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मिनिमम पेनिट्रेटिंग पावर किसकी है बेटा, जल्दी से बताएगा। देखो मिनिमम का पेनिट्रेटिंग पावर का तो फंडा कुछ इस तरीके से है कि जो अल्फा है, अल्फा सबसे कम पेनिट्रेशन करता है और बीटा गामा जो है, गामा सबसे कम, सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन करता है गामा, तो इसमें अल्फा देखो कहां पे भाई, अल्फा लिखा हुआ, ठीक है
अल्फा जो है सबसे कम पेनिट्रेशन करता है ना, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, यही है इसका आंसर, ठीक है, अल्फा सबसे कम पेनिट्रेशन करता है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन से वर्ष में, ठीक है। एक प्रोजेक्ट था माइक, माइक प्रोजेक्ट बहुत फेमस रहा, माइक प्रोजेक्ट एलिफेंट से संबंधित, बताइए प्रोजेक्ट एलिफेंट कौन से वर्ष में, ठीक है, जो है लॉन्च किया गया था। अच्छे क्वेश्चन में से एक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। माइक जो है ये कौन से वर्ष में लॉन्च किया गया, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, 1992 में, 1992 में। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, हेमंत बकाओ, ठीक है, हैज बीन नेम्ड एज द प्राइम मिनिस्टर, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर इस समय, ठीक है, नए नए क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन नया उठा रहा हूं मैं इस समय आपके लिए, हर एक क्वेश्चन में नया उठा रहा हूं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो पुराना है, ठीक है, ठीक है। आंसर क्या बेटा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आर्मी कोर्सिस का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, फाउंडिंग फादर ऑफ थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज, बताइए वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी के फाउंडिंग फादर कौन है, ठीक है, मैक्स वेबर है, ठीक है, मैक्स वेबर है, ठीक है। थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी जो है मैक्स वेबर के द्वारा, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे होते हैं ना यूपीएससी के लिए तैयारी के लिए, उन्हें पता था मैक्स वेबर कौन है, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या है, ठीक है, वैसे ही मुझे पता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, ये नहीं कर रहे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सी कमेटी करेक्ट नहीं है। अच्छा, इसमें दोनों ऑप्शन सही दे, सेम दे रखे, छोड़ेंगे, बताइए बिर कहां की करेंसी है, बताइए कौन से देश की करेंसी है बिर, ठीक है, सुना हो, ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है कि भाई बिर कहां की करेंसी है, कौन से देश की करेंसी है, मुश्किल है क्वेश्चन, ठीक है, बताइए आंसर क्या है फिर भी। ठीक है, चलो आंसर क्या है बेटा, बिर कहां की करेंसी, याद रखिएगा यूथोपिया की करेंसी है, ठीक है, यूथोपिया की करेंसी है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन, ठीक है, बिर कहां की करेंसी है, यूथोपिया की। Which former Indian athlete has been nominated as IAF veteran? Veteran pin, मतलब पुराना हो गया वैसे तो। अब कौन से इसमें से ऐसे हमारे देश के उम्दा एथलीट रहे हैं जो कि पुराने तो हो गए लेकिन आज भी इनका नाम चलता है, ठीक है, नाम है इनका आज भी, मतलब कौन से है इसमें से, कमेंट करिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा सकता है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बेटा, याद रखिएगा पीटी उषा इसका आंसर है, ठीक है, पीटी उषा इसका आंसर है, पूछा जा सकता है। ठीक है, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ यूनियन टेरिटरी इंप्लीमेंट वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, जल्दी से बताइएगा, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है, ठीक है, कमेंट करिएगा किसके द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक, कितने मतलब स्टेट हैं जिन्होंने अभी तक लास्ट ईयर के 4 अगस्त तक कितने देशों ने जो है, कितने राज्यों ने जो है वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को लॉन्च कर दिया। ठीक है, आंसर क्या है, 24। और मेरे हिसाब से आज के समय तक में तो ये सारे राज्य जो हैं आ चुके होंगे, सभी के सभी राज्य आ चुके होंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो लास्ट ईयर का हो गया ना, तो मे बी इस समय सभी राज्य आ चुके हैं। ठीक है, याद रखना बेटा रात को स्टैटिक जी के 10 बजे, भूलना मत, ठीक है, भूलना मत स्टैटिक जी के। ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, बताइए इस क्वेश्चन से, कंट्री वेयर द नेशनल एनिमल इज, ठीक है, सेक्रेट काउ, बताइए कौन सा कंट्री है जहां का नेशनल एनिमल कौन सा है, सेक्रेट काउ है, जल्दी से बताएंगे। ठीक है, बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक, कौन सा इसमें से कंट्री जहां का सेक्रेट जो एनिमल है, जो नेशनल एनिमल है, वो क्या बोलते हैं, सेक्रेट काउ। ठीक है, चलो आंसर क्या है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, नेपाल। ठीक है, नेपाल का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है, सेक्रेट काउ है। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जो पशु है वो है एक गाय, ठीक है, पवित्र गाय। ठीक है, इंडिया फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, देखो आपने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नाम के बारे में सुना है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, नाम के बारे में सुना है, और ये नाम जो है, ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है इसका कंसेप्ट क्या है, ये किससे जुड़ा हुआ, जल्दी से दे, नाम जो एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ये किससे जुड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करें इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ये किससे जुड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर, अच्छे क्वेश्चन में से एक, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में से एक है, पूछा जा सकता है कि नॉन अलाइनमेंट किससे जुड़ा है बेटा, याद रखिएगा, न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स द पावर ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है,
पावर ऑफ ब्लॉक्स क्या है, एक तरफ रशिया और भाई बंधु, एक तरफ अमेरिका और भाई बंधु, और नाम के लोग कह रहे हैं कि ना हम इधर जाएंगे इस ब्लॉक में, ना हम जाएंगे इस ब्लॉक में, हम अलग रहेंगे। तो इसलिए इसे कहा जाता है न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स द पावर ऑफ ब्लॉक्स। ठीक है, कोल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर सेकंड होने के बाद रशिया और अमेरिका पावरफुल बन गए थे, और न्यूट्रलिटी का मतलब कि नाम वाले किसी के साथ नहीं। ठीक है, जैसे कि हम जवाहरलाल नेहरू ने नाम की स्थापना करी थी, हु हैज टेकन चार्ज एज द वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। ठीक है, ये अब फेमस हो चुके हैं। और मैं ये भी कहूं ऑप्शन में हाँ दे रखा है, ये सीएचएसएल में आ गया है क्वेश्चन, है ना, सीएचएसएल में क्वेश्चन आ चुका है। चलो आंसर क्या बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर है हर्षवर्धन। बेटा कल कोई भी मिस मत करना, कल 5 बजे मैराथन जो रखी है ना मैंने जनरली 3 घंटे का कंटेंट रखा है, और जनरली 1000+ क्वेश्चन रखे, 1000+ क्वेश्चन, उससे कम नहीं रखूंगा। ठीक है, और सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, आपके जिंदगी में कभी इतिहास ना पढ़ा हो ना, कल शाम को 5 बजे वाईफाई स्टडी पे आके पढ़ लेना। जिंदगी में कभी इतिहास ना पढ़ा हो ना, कल शाम को 5 बजे आके वाईफाई स्टडी पे पढ़ लेना, पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके बाद किसी से। ठीक है, इतिहास। फ्यूज वायर जो है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कमेंट करिए, फ्यूज वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है कमेंट करिए। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता। ठीक है बेटा, फ्यूज वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है, अच्छा क्वेश्चन है। हाई रेजिस्टिविटी एंड मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, देखो यार रेजिस्टिविटी हाई होती है इसलिए ज्यादा करंट को जाने नहीं देता, और मेल्टिंग पॉइंट मिनिमम है कि अगर करंट ज्यादा जाएगा तो पिघल जाएगा। ठीक है, करंट ज्यादा जाएगा तो ये पिघल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से अप्लायंस बच जाता है हाई करंट आने पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। ठीक, ऑपरेशन नंबर प्लेट, ये ड्राइव किसने स्टार्ट करी बताइए, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये ऑपरेशन नंबर प्लेट जो है स्टार्ट किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। ठीक है, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कमेंट करिएगा। ऑपरेशन नंबर प्लेट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, चलो ऑपरेशन नंबर प्लेट स्टार्ट किया गया किसके द्वारा, रेलवे पुलिस फोर्स। ठीक है, रैपिड पुलिस फोर्स जो है ना, जो रेलवे पुलिस फोर्स है, ठीक है, उसके द्वारा स्टार्ट किया गया। सऊदी अरब की करेंसी क्या, बेसिक क्वेश्चन की भाई करेंसी पूछ रहा सऊदी अरब की। ठीक है, दिमाग रखे, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सऊदी अरब की करेंसी पूछ रहा है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, आंसर क्या। ठीक है, तो सऊदी अरब की करेंसी पूछ रहा है तो रियाल इसका आंसर है। ठीक है, रियाल इसका आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कल शाम को 5 बजे। ठीक है, कितने बजे, शाम को 5 बजे भाई मिस मत करना, कोई सा भी वाईफाई स्टडी चैनल पर इतने क्वेश्चन करा दूंगा 3 घंटे में, कभी इतिहास किसी से पढ़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन कल 5 बजे पढ़ना पड़ेगा 3 घंटे लगातार। ठीक है, हम 7 बजे वाली क्लास भी उसी में काउंट कर लेंगे, जब 7 बजे पढ़ते हैं 5 बजे पढ़ते हैं, तो इससे बेटर है ना कि हम 5 से 7 पूरे ही पढ़, 5 से 8 पूरे ही पढ़ लें। ठीक है, तो कल हम यही करने वाले। प्राइम मिनिस्टर हैज एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम। हाँ जी, कब तक एक्सटेंड किया है, तो बेटा ये तो ठीक है नवंबर तक एक्सटेंड किया, छोड़ो इस क्वेश्चन को, इतना फालतू क्वेश्चन है। नेम द अमेरिकन फिल्म कार्टूनिस्ट हू क्रिएटेड मिकी माउस एंड डोनाल्ड डक। फेमस कैरेक्टर है मिकी माउस और डोनाल्ड डक, और ये किसने बनाए, बड़े फेमस व्यक्ति होंगे जिन्होंने बनाए होंगे मिकी माउस और डोनाल्ड। ठीक है, क्योंकि दुनिया भर में मिकी माउस और डोनाल्ड डक का कैरेक्टर मशहूर है एज ए कार्टून। ठीक है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर क्या बेटा, याद रखिएगा आंसर इसका वॉल्ट डिज्नी इसका आंसर। क्या है इसका आंसर, वॉल्ट डिज्नी इसका आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हु वाज द डायरेक्टर ऑफ एलाइस इन द वंडरलैंड। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एलाइस इन द वंडरलैंड, वंडरलैंड बड़ा फेमस है। ठीक है, दुनिया भर में एक बहुत बढ़िया विजिटिंग प्लेस है ना, ठीक है, वंडरलैंड, और इसके डायरेक्टर कौन है बेटा, याद रखिएगा टिम बर्टन है, और मुश्किल क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, जैसे ये नाम इस, ये तो था कि अपन लोगों को पता चल रहा था, क्योंकि डिज्नी जो है ना, डिज्नीलैंड में ही इन दोनों करेक्टर को शो कर रखा है। ठीक है, तो वॉल्ट डिज्नी फेमस है व्यक्ति। ठीक है, लेकिन भाई ये तो थोड़ा सा मुश्किल है ना कि भाई एलाइस ऑफ वंडरलैंड के डायरेक्टर कौन है, टिम बर्टन है। मुश्किल क्वेश्चन भी पढ़ने पड़ेंगे, आसान भी। ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, और ये मूवी भी है पूरी, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच इज द वर्ल्ड कल्चर्स कैपिटल इंडिया। कल्चरल कैपिटल कौन सी है इंडिया की, वर्ल्ड्स।
वर्ल्ड्स कल्चरल कैपिटल इंडिया। जल्दी से देख, दोनों में फर्क है, जल्दी से बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, आंसर क्या बेटा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएगा। बड़े अच्छे क्वेश्चन में से एक आंसर क्या, वर्ल्ड कल्चरल कैपिटल कौन सा है, कोलकाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कोलकाता है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन विटामिन बी नाइन, बताइए विटामिन बी नाइन में क्या पाया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, जल्दी से बताइए। ठीक है, आंसर क्या, फोलिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फोलिक एसिड पाया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ठीक है, फोलिक एसिड पाया जाता है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, मिलते हैं इसमें रात को 8 बजे, मिल जाना भाई एसएससी गुरु चैनल पे। तो आपको पता ही है कि मैं सबसे नया क्वेश्चन उठा रहा हूँ एसएससी गुरु चैनल पे, ठीक है, रात को 8 बजे। तो ये तो मिस करना मत, बताइए ट्रिकल डाउन थ्योरी, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, ठीक है, बताइए अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इंडियन वुमन टू गेट एन ओलंपिक मेडल, पहली महिला जिनको ओलंपिक पदक से सम्मानित किया गया था। जल्दी से देखिए, पहली महिला जिन्हें ओलंपिक पदक से सम्मानित किया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, बताइए, ठीक है, आंसर क्या है बेटा, ओलंपिक पदक से सम्मानित किया गया, आंसर क्या है, कर्णम मल्लेश्वरी इसका आंसर है। ठीक, कर्णम मल्लेश्वरी इसका आंसर है। एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इन्वेंटेड बाय सर हम्फ्री डेवी, सर हम्फ्री डेवी ने क्या इन्वेंट किया था, कमेंट करिए। अच्छा क्वेश्चन, ठीक, सर हम्फ्री डेवी के द्वारा किस चीज की खोज की गई थी, किस चीज की इन्वेंशन की गई थी, आसान क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सर हम्फ्री डेवी के द्वारा किसकी इन्वेंशन की गई थी, सेफ्टी लैंप की। ठीक है, सेफ्टी लैंप की इन्वेंशन की गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सेफ्टी लैंप इसका आंसर है। व्हिच इज द फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, ठीक है, भारत में पहली महिला प्रधान आईपीएस जो ऑफिसर रही, अब दुनिया जानती है। ठीक है, आंसर क्या है, ठीक है, जवाब करें किरण बेदी, भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी थी। ठीक है, आज भी इनको जानते हैं सभी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, वाजिद खान, इनका कोरोना वायरस की वजह से इनका मृत्यु हुआ, ये किस प्रोफेशन में थे, ये कोरोना वायरस की वजह से इनका मृत्यु हुआ था, बताइए किस प्रोफेशन से थे, जल्दी से बताइए। ठीक है, याद रखिए म्यूजिशियन थे ये, ठीक है, और इनका कोरोना वायरस की वजह से निधन हुआ है भाई इनका। ठीक है, याद रखिएगा, और मेरा जो रेफर कोड है वो है लाइव अमन अन अकेडमी भी जुड़ने के लिए, और ये रेफर कोड आपको डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व लोकेटेड है कौन सी स्टेट में, जल्दी से बताइएगा कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, कमेंट करिए। अच्छे क्वेश्चन में से एक, पलामू टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा कौन सी स्टेट में, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है, अब ये पलामू टाइगर रिजर्व इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि भारत का, पूरी दुनिया का सबसे पहला टाइगर सेंसस जो हुआ था वो यहीं पे हुआ था। ठीक है, सबसे पहला टाइगर सेंसस यहीं पे हुआ था, इस वजह से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, इस वजह से इंपोर्टेंट है। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, झारखंड। मेरे ये वीडियो है इंडियन पॉलिटी, आज ना एक बार जरूर देखना, क्योंकि अगर ये देखोगे ना, कल 5 बजे आने का मन करेगा कि हाँ भाई सर ने ये पढ़ाया, तो 5 बजे कुछ बेहतरीन पढ़ा रहे हैं कल। ठीक है, कल वाईफाई स्टडी पे बहुत बेहतरीन मैराथन है, जैसी इंडियन पॉलिटी की हुई थी किसी जमाने में। ठीक है, वो हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी, होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, छोड़ेंगे। चलिए, ये भी क्वेश्चन नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन आंसर बताइए। चलिए, एयर प्रेशर, ठीक है, डन है, आसान क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बताइए इस क्वेश्चन आंसर, अच्छा क्वेश्चन। ठीक, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। ठीक है बेटा, याद रखिए कल, लेकिन इंडियन पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि पॉलिटी तो पढ़ा चुका, हिस्ट्री नहीं पढ़ाई मैंने, हिस्ट्री नहीं पढ़ाई आपको, हिस्ट्री पढ़ाऊंगा दमदार। ठीक है, आंसर क्या, विच अमंग द फॉलोइंग वाज सेट अप प्राइमरली फॉर द रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट, सिक यूनिट मतलब जितने पब्लिक सरकारी यूनिट्स हैं, यानी कि सरकारी कंपनी है, वो अगर इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही तो उनके लिए क्या स्टार्ट किया गया, जल्दी से बताइए क्या स्टार्ट किया गया, कमेंट करिएगा आंसर क्या। ठीक है, महत्वपूर्ण है सवाल, महत्वपूर्ण है सवाल।
ठीक है आंसर क्या है इस क्वेश्चन का बेटा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है ठीक है इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया। एक और क्वेश्चन देखिएगा, रैपिड फायर कल नहीं कराएंगे, कल सीधा मैराथन चलेगी फुल ठीक है, सुबह दोपहर को 5 बजे स्टार्ट कर देंगे। विच गवर्नमेंट स्कीम हैज नियर 20 लाख सब्सक्रिप्शन इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो उसमें 20 लाख सब्सक्रिप्शन हुए थे किन स्कीम पे, कौन सी स्कीम में इतना सब्सक्रिप्शन हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सोल्व करिएगा बेटा। ठीक है आंसर क्या बेटा, याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे क्वेश्चन में से एक है अटल पेंशन योजना, और अटल पेंशन योजना आप सभी जानते हैं इसके बारे में ठीक है, तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है ठीक, क्वाइट पॉसिबल कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है चलो एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए। टेरा रोसा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या है, टेरा रोसा एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या मतलब है, कमेंट करिएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरा रोसा, टेरा रोसा का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है टेरा रोसा का, जल्दी से बताएंगे। ठीक है आंसर क्या है बेटा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर रेड लैंडस्केप इसका आंसर है ठीक है, रेड लैंडस्केप इसका आंसर है। हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन, फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन, बहुत ही आसान क्वेश्चन भाई, दूध की क्रांति किसके द्वारा, वर्गीज क्रेन के द्वारा ठीक है। बताइए विच कंट्री रिसेंटली टुक ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ग्रुप 77 जो है देश एक साथ जुड़े हुए हैं जिसे हम G77, और इसकी चेयरमैनशिप किसके हाथ में है, किसके हाथ में, गुयाना के हाथ में। एक और क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय इंडियन एयरफोर्स फॉर इट्स एस्पिरेंट, जल्दी से बताएगा, इंडियन एयरफोर्स फॉर इट्स एस्पिरेंट, जल्दी से बताएगा। जो अगर एयरफोर्स में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक ऐप ही बना दी, कितना बढ़िया काम किया है ना, माई इंडियन एयरफोर्स, माई IAF, माई इंडियन एयरफोर्स इसका आंसर है ठीक है। तो ये ऐप एयरफोर्स के द्वारा ही लॉन्च की गई है, बताइए ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। स्वर्ण सब वैरायटी किसकी है, कमेंट करें। स्वर्ण अभी रात को 10 बजे भी क्लास करेंगे, मैराथन तो कल है 5 बजे से लेके रात को 10 बजे तक के आसपास ठीक है, लेकिन अभी हम रात को 10 बजे वाली क्लास भी करेंगे। 8 बजे अभी हम जो SSC गुरु चैनल पे क्लास लॉन्च किया है मैंने, उसे भी करना है, GD MTS की पूरी तैयारी है ना, पैडी क्रॉप की वैरायटी है। एक और क्वेश्चन देखिए, कुछ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। मेटल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लाइटनिंग कंडक्टर, बताइए कौन सा मेटल यूज किया जाता है, लाइटनिंग कंडक्टर के लिए कौन सा मेटल यूज किया जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करें। ठीक है बेटा आंसर क्या है, कॉपर ठीक है, कॉपर यूज किया जाता है ठीक है। एवर्टन वीक्स उपास अवे रिसेंटली, ये किससे एसोसिएटेड, अगर आपने एवर्टन वीक्स का नाम सुना हो तो बताइए ठीक है, जल्दी से बताइए। एवर्टन वीक अगर आपने नाम सुना है बताइए किससे एसोसिएटेड है, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है चलो आंसर क्या बेटा, एवर्टन वीक किससे संबंधित है, आंसर स्पोर्ट्स से ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सर्व एज इंडियाज फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, भारत के पहले टेस्ट कैप्टन कौन थे, CK नायडू, आसान क्वेश्चन। एक और देखिए ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, कौन सी आर्म फोर्स है जिसने हाल फिलहाल में इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर 20 मीटर का लंबा टनल डिटेक्ट किया है, जो जहां से लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे थे, जो कि हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को ठीक नुकसान पहुंचा रहा था, बताइए कौन सी फोर्सेस ने डिटेक्ट किया। ठीक है आंसर क्या इस क्वेश्चन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का आंसर है ठीक है, आंसर क्या है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का आंसर है ठीक है बेटा। 11 PM 5000 क्वेश्चन का PDF ऊपर चैट बॉक्स में लगा दिए हैं, ले लेना नोटिफाई करके, आप इस रेफर कोड से नोटिफाई करना और नोटिफाई करके ले लेना ठीक है, और क्लास देखनी पड़ेगी तब जाके आप ले पाओगे ठीक है। रात को 11 बजे टेम्परेचर इन्वर्जन, लेकिन 5000 क्वेश्चन की PDF होती है। टेम्परेचर इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, कुछ नेगेटिव जाना ठीक है, दिमाग पर रखिएगा ठीक है। नेगेटिव ऑब्वियसली कोई चीज इन्वर्ट हो रही है तो नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव लेफ्ट साइड का आंसर। एक और क्वेश्चन देखिए ठीक है, इजरा कप जो है किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, जल्दी से बताइए।
इजरा कप किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। इजरा कप किस खेल से संबंधित है, आंसर क्या है बेटा, याद रखिएगा, पोलो से संबंधित है। किससे? पोलो से। एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉफीज रिलेटेड टू द गेम ऑफ फुटबॉल, ठीक, कौन सी ट्रॉफी गेम ऑफ फुटबॉल से संबंधित है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक, कौन सी ट्रॉफी गेम ऑफ फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित तो भाई मैडेगा कप है, और अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे बेटा, सारे के सारे बच्चे इस क्लास को कवर करके ना एसएससी गुरु चैनल पे पहुंच जाओ 8 बजे, क्योंकि बेटा उस चैनल पे मैं आपको जो एसएससी गुरु चैनल पे पढ़ा रहा हूँ वो एसएससी की टारगेटेड तैयारी है, ठीक है, चाहे जीडी एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल सबकी तैयारी हो रही है, रात को 8 बजे एसएससी गुरु चैनल पे करना है अभी क्लास को, ठीक है। आसाम इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर क्या है, ये कल शाम को 5 बजे से रात तक चलता रहेगा मैराथन, जरूर देखिएगा, इतिहास कर लो, इतिहास बना लो, कल बना सकते हो तो शाम को 5 बजे, ठीक है। विच इंडियन ऑथर हैज वोन द 2020 कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज, जल्दी से बताइए आंसर क्या है, 2020 शॉर्ट स्टोरी प्राइज जो है किसने किया, ठीक है बेटा, ठीक है, जीता किसने, आंसर क्या है बेटा, कृतिका पांडे के द्वारा। एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन आंसर, विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, बताइए ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कुछ क्वेश्चन बचे हैं, एक दो क्वेश्चन बचे हैं, कर लो फिर 8 बजे जुड़ेंगे। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, यूनेस्को इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, मेनाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है सिक्किम में, ठीक है, चलिए हो ही गए क्वेश्चन, ऑलमोस्ट फिनिश हो गए सारे क्वेश्चन, है ना, तो अभी एंड करते हैं सेशन को। जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन बैंक का लिंक है, ये नोटिफाई करना आपको बेटा सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर जो दे रखा ना आपको नोटिफाई करना है इसको, ठीक है, रेफर कोड यूज करके लाइव अमन, ठीक है, लाइव रेफर कोड यूज करके लाइव अमन, ये रेफर कोड यूज करके, और क्लास 11 बजे देखनी है ये वाली, ठीक है, और एक बार इंडियन पॉलिटिक्स सर्च कर लेना, सो डेट आप मुझसे कनेक्ट हो सको, ठीक है, और पढ़ सको अच्छा एक जो कंटेंट है ना मैराथन में वो पढ़ सको, ठीक है, कनेक्ट होने का मतलब पढ़ पाओगे ऐसा चीज जिससे आपको लगेगा हाँ भाई आप पढ़ना चाहिए, और कल फिर मैराथन भी देख पाओगे 5 बजे, ऐसी चीज अगर देख लोगे तो एक बार, ठीक है, चलिए एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं आपसे 8 बजे। एक चीज और, जो भी बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं, ये एसएससी कोर्स 2 दिन तक आपको मिल जाएगा, 2 दिन तक आपको मिल जाएगा, 2 दिन तक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2 दिन तक अपना 2 साल पे 4 मंथ का एक्स्ट्रा कोर्स अवेलेबल है, 1 साल पे 2 मंथ, मतलब ये मेगा सब्सक्रिप्शन है, आपको इस कोड पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है, 4 मंथ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, और आपके कॉइन्स यानी कि गिव अवे कोर्स है अभी 2 दिन तक आपको इस रेफर कोड पे, लाइव अमन रेफर कोड पे गिव अवे कोर्स, ठीक है, जो आपको मतलब पूरा मिल रहा है, जो आपको बहुत मेहनत से मिलता था वो अब आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है, इस रेफर कोड पे लाइव अमन पे ज्वाइन कर लेना 2 दिन के बीच में लेके, ठीक है, एसएससी गोल सिलेक्ट करके, गट्सून क्लिक करके, मंथ सिलेक्ट करके, रेफर कोड यूज करके लाइव अमन, ठीक है, आप जुड़ सकते हैं, ठीक है, जो भी बच्चा देख, ठीक है, मिलते हैं आपसे कितने बजे, 8 बजे, कहां पर, एसएससी गुरु चैनल पर, ठीक है, और टिल देन शुक्रिया आप सभी का देखने के लिए सेशन को, ठीक है, ओके बाय।